हाथी घाट पे आ चुके हैं। ये देखो इतना अच्छा व्यू है, कितने अच्छी गेट टाइप में बना रखा है। ये हाथी घाट है, हाथी के सूंड में से जो है वो पानी जा रहा है, नीचे गिर रहा है। चंबल नदी में तो नहीं गिर रहा, पर फिर भी बह के तो चंबल नदी में जा रहा होगा। देखो कितना अच्छा, सारी चीज़ें उस तरफ काहे के लिए, मेरे ये समझ। एक फोटो मतलब एक आपने स्टैचू देखा होगा जो बीचों बीच था, वो भी मतलब वहाँ पे था उस तरफ के मुंह में। ये हाथी भी उस तरफ के, उसमें सारी उस तरफ ही आएंगी सारी चीज़ें। पर उधर की मेरे को एक भी चीज़ अभी तक ऐसी नहीं दिखी जो इस तरफ की मुंह हो रहा होगा। तो सिर्फ एक स्टैचू दिखाई दे रहा, वो देखो सामने, बस उसका मुंह ही हमारी तरफ है। पर इधर होता ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। ये बिल्कुल यहाँ पे लिख रहा है जवाहर घाट इस तरफ है, माँ घाट भी इस तरफ ही है, सूर्य स्तंभ इस तरफ है, पैराडाइज गार्डन भी इस तरफ है, बालाजी घाट और कुनहरी घाट अभी आपको दिखाना बाकी है। तो हम जल्दी से चलते हैं दिखाने, पता नहीं सबसे पहले कौन सा आएगा। आएगा भी सरी कि नहीं आएगा? आएगा तो सरी, ये तो पक्का है आएगा, क्योंकि अब लिख रहा है बोर्ड पे तो आना तो चाहिए। तो देखो अभी तो बहुत बाकी है, पर यहाँ पे ना ज़्यादा बंदे दिखाई नहीं दे रहे। देखो उधर का नज़ारा मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे को दुख हो रहा है मैं वेस्ट साइड पे आ गया, मुझे ईस्ट साइड पे जाना चाहिए था। देखो उधर का ज़्यादा मेरे को अच्छा लग रहा है, बेटर। पर इधर का भी बुरा नहीं है, इधर का भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, LED पार्क वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे है, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा बना है, भी आगे पता नहीं आगे है कि नहीं है, उधर लिख तो रहा है होना तो चाहिए। या तो फिर देखो सामने, देखो वहाँ पे वो खेल हो रहा, आपको दिखाई दे रहा है? देखो गौर से देखो, वो इस जगह पे, देखो इस जगह पर वो आग का खेल हो रहा उधर सामने, दिख रहा है आपको? दिख रहा है अभी तो बहुत बहुत ज्यादा बाकी है। अभी तो अभी हम इस तरफ आए, अभी तो उस तरफ जाना है, क्योंकि हमने अभी इन भैया से पूछा, भैया ने बोला कि आप अभी इधर घूम ले, अभी उस तरफ जाना है। हम टिकट लेके घुसे थे ना जहाँ से, अभी हम उसके सीधे में जाने वाले हैं। तो चलो चलते हैं, आपको बोर नहीं करेंगे इसलिए सीधे वहाँ मिलेंगे। क्योंकि दूसरी तरफ अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, पर थोड़ी सी देर में ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अभी पूरा होने वाला है ये। हम अभी इतनी देर में उस तरफ घूम रहे थे, अब इस तरफ घूम रहे हैं। तो देखा कहाँ से हमें फल आ रहा है, देखो दूसरी तरफ कितना अच्छा व्यू होगा। देखो बीच में देखो वाइट बॉल दिख रही होगी आपको, कितना अच्छा लग रहा है। इधर पता नहीं कुछ है कि नहीं, वो देखो चंबल माता की मूर्ति बिल्कुल पास से दिखाएंगे अभी आपको, आपको ठीक से दिखेगी नहीं, अभी आपको पास से दिखाते चंबल माता की मूर्ति। देखो मेरे को नहीं लगता इधर कुछ है खास, यहाँ पे लिख रहा है घंटी घाट है। घंटी घाट में क्या होगा, घंटी बजाएंगे? पता नहीं घंटी घाट पे क्या होगा, घंटी बजाएंगे क्या करेंगे। चलो जल्दी से चलते लोग, कितना अच्छा उधर का व्यू भी एक नंबर। अब इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है ना, थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगा इस वजह से। अभी थोड़ी देर में बस एक घंटे करीब तक का टाइम है घूमने का, उसके बाद फिर मतलब बंद हो जाएगा एंट्री। तीन समय की होती है, सुबह से 10 बजे से 1 बजे तक की, और फिर 2 बजे से 5 बजे तक की,
फिर 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक की, और एक 10 से 10 मतलब 1 7 से 10 तक की। देखो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। देखो उधर तो सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था राजस्थानी। बस अब चंबल माता की मूर्ति आपको दिखाएंगे बिल्कुल पास से। देखो शायद अब बालाजी घाट आने वाला है, इस वजह से गाना भी मतलब चल रहा है भजन, आपको सुनाई दे रहा हो तो बस थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगा। आप व्यू को देख के मजा करो, कितना अच्छा व्यू हैगा, एक नंबर। ये देखो यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं यहाँ पे। अब मेरे को लग रहा है पहले उधर ज़्यादा भीड़ थी ना, वो सारी भीड़ अब इस तरफ आ चुकी है। ये रोशन घाट है, यहाँ पे मतलब सब कुछ रोशन हो जाएगा, ऐसा नाम बता ऐसा नाम दिख रखा है, सब कुछ रोशन रोशन हो जाएगा। रोशन रोशन हो गया है, हाँ रोशन रोशन हो गया है, पता नहीं अभी कितना बाकी है। इतनी देर से बोल रहा थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा हो ही नहीं रहा अभी तो। शायद बहुत आगे वो, शायद वो ब्रिज दिखाई दे रहा आपको जिधर लाइट लग रही है लाइन से, वहाँ तक है गा ये। अभी हम वेस्ट साइड पे, उस तरफ ईस्ट साइड है, जो दूसरी तरफ जो दिख रही है ना वो ईस्ट साइड हैगी। अभी हम वेस्ट साइड पे, वो रही चंबल माता की मूर्ति, देखो ये देखो ये रही चंबल माता की मूर्ति। यहाँ पे चंबल माता की मूर्ति से पानी गिरता है पर अभी नहीं गिर रहा, बंद कर रखा होगा शायद, मैंने तो ये देखा है। देखो अगर आपने अगर इधर से भी टिकट कटा लिया देख सकते हो, दोनों साइड घूम सकते हो, पैसे वाला टिकट देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा है। अगली बार उस तरफ चलेंगे ईस्ट की तरफ, ये वेस्ट हैगा, अगली बार ईस्ट पे जाएंगे। अगली बार से ईस्ट ईस्ट की वीडियो बनेगी, वेस्ट की नहीं बनेगी। देखो आप बस चंबल माता की मूर्ति बिल्कुल पास से देखने वाले, बिल्कुल पास। देखो बस ख़त्म होने वाला है। अब हमने भैया से पूछा था, भैया ने बोले आगे एक नेहरू घाट भी हैगा शायद, वहाँ पर नेहरू जी की तस्वीर बन रही है शायद, पता नहीं उन्होंने तो सही कहा। यहाँ पर अब चल के देखते हैं कि कैसा। देखो इधर मतलब ये देखो ये मतलब गमले टाइप लग रहे हैं ना घास, मतलब इस तरीके से बनाई है तो बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है ये, ये नकली नहीं है, इनको मतलब हाथ की बिल्कुल कारीगरी से बनाया गया है, बहुत एक नंबर कारीगरी। अभी यहाँ पे अलग शो चल रहा है, वहाँ पे अलग शो चलता है, बिल्कुल मतलब दोनों अलग अलग हैंगे। देखो इतना अच्छा मतलब दिख रहा है। भैया ने बोला कि नेहरू जी की तस्वीर लग रही है शायद, उधर लग रही है शायद, मेरे को शायद उसे दिखी पर आई नॉट श्योर। देखो इधर आप पता नहीं बच्ची क्या कर रहे। देखो वो रही चंबल माता की मूर्ति बिल्कुल, अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रही होगी, सफ़ेद कलर की चंबल माता की मूर्ति। ये देखो देखो शायद वो देखो कितने एंड तक हैगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ से कितने एंड तक हैगा।
देखो कितना बड़ा है। चलते धीरे धीरे, अब क्या कर सकते हैं। पूरा देखो ये, देखो ये स्टैचू दिख रही है मेरे को, पता नहीं काय की, आप कमेंट में जरूर बताने काय का है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। ये शायद शंकर भगवान के नंदी है। ये शायद हम अभी आए हैं नंदी घाट में, वहाँ पे लिख रहा था हमने शायद बोर्ड पे पढ़ा था नंदी घाट पर। अभी हम नंदी घाट में, ये मंदिर बना रखे मंदिर, इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी हम वो देखो वो रही अभी भी चमन माता की मूर्ति, कितनी अच्छी लग रही है अभी भी, मतलब उतर रहेगी सारी हमेशा। इस वजह से पानी गिरता है, पता नहीं आज क्यों नहीं गिर रहा। मैं पिछली बार एक बार आया था पर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी यहाँ पर पानी गिरता है। तो यहाँ पे ये नंदी बन रहे है और यहाँ पे ये नटराज की डिजाइन बना रखी है, नटराज बना रखी है। देखो इसको, इसको गौर से देखो, ये मेरी बहन प्यारी सी रो रही है। इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, यहाँ पे कुछ खाने को नहीं मिलता है। यहाँ पे हमें तो अभी तक कुछ दिखाई नहीं दिया, पता नहीं मिलता होगा, हमने नोटिस नहीं किया। बट चलो अब आगे चलते, जल्दी से फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं। फ़ोटो खिंचाने के बाद हम चलेंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गीता घाट पे। अब गीता घाट पे क्या होता है चलो देखते हैं जल्दी से जाकर। हम बहुत थक चुका हूँ मैं, चार पाँच घंटे हो गए घूमते। इतनी सारी चीज़ें घूमी, देखो इधर भी लिख रहा है जवाहर घाट बच रहा है। बस जो भी आने वाला है आपातकालीन निकाश हो तो छोड़ो, शांति घाट, नंदी घाट, वेदी घाट, ब्रह्मा घाट, ये सारी चीज़ें घूम कर आए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, पर वो तो दूसरे वाले बोट पे लिख रही थी, इधर वाले बोट पे ही लिख रही थी। बस थोड़ी देर और गीता घाट पे गीता की तस्वीर बन रही है। ये देखो अच्छी है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छी है ये गीता घाट इसलिए क्योंकि यहाँ पे गीता के तस्वीर बन रही है। अब बस ख़त्म होने वाला है, ये आखिरी है क्योंकि ये आ चुका है जवाहर घाट। ये लिख रहा बोर्ड पे जवाहर घाट, ये देखो वो रहा जवाहर घाट का बोर्ड, ये आखिरी है आई थिंक। फिर इसके बाद जवाहर घाट, फिर सब फिर ख़त्म। ये देखो ये रहे जवाहरलाल नेहरू, ये देखो इसलिए जवाहर घाट है, कि जवाहरलाल नेहरू बन रहे इसलिए जवाहर घाट है। देखो ये जवाहरलाल नेहरू, देखो कितना अच्छा बन रहा है। चाचा नेहरू कितनी अच्छी आर्किटेक्चर है ये, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी। कितनी अच्छी आर्किटेक्चर रहेगी यहाँ पे, नेहरू जी की वो भी बन रही है मूर्ति स्टैचू। देखो वहाँ ऊपर ही ऊपर दिख रहा है आपको लाल लाल सो, वहाँ पे भी लिख रहा है जवाहरलाल नेहरू। तो बस ये आखिरी जवाहर नेहरू जी की ये तस्वीर बन रही है, इसके बाद वीडियो ख़त्म करेंगे। मैं बहुत थक चुका हूँ, फिर इसके बाद ख़त्म होगी, उस तरफ भी ख़त्म होगा। बस ये आखिरी, फिर इसके बाद ताकत नहीं बची वीडियो बनाने की। तो देख सकते हो कितनी अच्छी है, ये देखो यहाँ पे ये बुक रखी है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया गिल
पीसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल ऑटोबायोग्राफी। देखो यहाँ पे चार चार बुक लगी है और ये नेहरू जी की तस्वीर, तो मतलब जितनी भी अभी तक तस्वीर मतलब स्टेचू देखी होंगे या मूर्ति देखी होगी, सब में अलग अलग आर्किटेक्चर बन रहा है, सब में अलग अलग। इसमें अलग है उधर चंबल माता की मूर्ति बन रही है, उसमें अलग है, अभी वो पीछे देखी थी वो मूर्ति भी स्टील की बन रही है, सब अलग अलग है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है, एक बार व्यू देख लो। आई लव यू गाइज। जिसको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।